हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इंग्लिश सेक्शन को आसान बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश सेक्शन में, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो है वोकेबलरी के ऊपर कमांड। अब वोकेबलरी आपको कौन सी याद करनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। स्टूडेंट्स कोई सी भी वोकेबलरी याद करते रहते हैं, वो वोकेबलरी एग्जाम में नहीं आती। देखिए, आपको याद करने हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, कोर वर्ड्स, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यदि इन वर्ड्स को आपने मास्टर कर लिया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, पैराजम्बल, वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, और अच्छा स्कोर इसमें आप ले पाएंगे। देखिए, मैंने बहुत ही मेहनत से इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को कंपाइल किया है, और इन हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को आप कैसे ले सकते हैं, कैसे इनको याद कर सकते हैं, इनके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन ई बुक्स बनाई हैं, जिनमें मैंने बहुत ही कलरफुल तरीके से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इन्हीं वर्ड्स पर यदि आप बुक्स में से पढ़ते हैं तो बहुत ही बोरिंग लगेगा, पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन यहाँ से आप पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने में मन करेगा, और इन वर्ड्स को आप आसानी से याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में रिटेन कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्रैक्टरी एक वर्ड दिया है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से देखिए, ये तीनों ऑप्शन जो अंडरलाइन है, ये इसके आंसर हो सकते हैं, यानी ये तीनों इसके सिनोनिम हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है? अनरूली, इंट्रैक्टेबल एंड हेड स्ट्रॉन्ग, जो निरंकुश है, ठीक है, जो आज्ञाकारी नहीं है, ओबीडियंट इसका एंटोनिम होगा। और यहाँ पर मैंने और चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिया है, ही इज़ एन अनरूली एंड रिफ्रैक्टरी चाइल्ड। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से रेंट, ये वर्ड मैंने एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार देखा है। रेंट का मतलब होता है शाउट करना, टायरेड भी इसका होता है, फ्यूम भी इसका होता है। तो ये तीनों वर्ड्स इसके सिनोनिम में, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है। इन ई बुक्स को मैंने ये कंपाइलेशन बनाया है, करीब 2500 से 3000 वर्ड्स का ये कंपाइलेशन बनाया है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल ये वर्ड्स हैं, और डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। एसएससी एग्जाम्स में तो 40-50% वोकैबुलरी का रोल होता है टीयर 1 और टीयर 2 में। तो इन ई बुक्स को आप मेरी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मेरी साइट पर आएँ और इससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली ये ई बुक्स जो है, ये पहले पेड ई बुक्स थी, लेकिन अब मैंने फ्री कर दी है, इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो साइट पर आ जाएंगे, और यहां से आप इस बटन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार साइट पर भी आपको इसको दिखा देता हूं। देखिए, ये है ई बुक्स, तो ये देखिए यहां पर देख सकते हैं, 750 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, टॉप 300 ऑसम वर्ड्स, जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, जो हिंदू में आते हैं और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो सारे वर्ड्स मैंने बनाए हैं। ये 1000 वर्ड्स की एक ई बुक है, तो इन सारी ई बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 800 वर्ड्स की एक ई बुक्स अभी बनाई है, ये 2 महीने पहले ही ये सारे वर्ड्स मैंने कलेक्ट किए हैं, इसमें एक ई बुक बनाई है। और यहाँ पर देखिए, ये 45 लेटेस्ट वर्ड्स ऑफ 2019 एंड 2020, ये सारे वर्ड्स आपसे फोर्थ कमिंग सभी एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। 45 लेटेस्ट वर्ड्स, 50 लेटेस्ट वर्ड्स, ये सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। इसमें काफ़ी सारे इडियम्स भी आपको मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब्स भी इसमें आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये फ्रेजल वर्ब्स की एक ई बुक है, ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इनको आप डाउनलोड करें और इनसे फ़ायदा उठाएं, इनसे वोकैबुलरी को याद करें, डेफिनेटली इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिक्यूपीरेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिक्यूपीरेट इसका मतलब होता है रिकवर, इसको आप रिस्टोर भी बोल सकते हैं, और कॉन्वलेस भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम हैं। और यहाँ पर नीचे मैंने इसमें रिवाइज करने के लिए काफ़ी सारी टेबल्स मैंने दी हैं। जैसे यहाँ पर आपको वर्ड्स को पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको रिवाइज करना है इन सारे वर्ड्स को। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आप इन वर्ड्स को याद कर पाएंगे। फेकन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहाँ पर आप देखिए, ये सारी ई बुक्स हाईली यूजफुल ई बुक्स हैं, इन ई बुक्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इन्हीं ई बुक्स से आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। इनसे पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि बुक्स में से पढ़ते हैं तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट लेटर्स रहते हैं, जो कि काफ़ी बोरिंग होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं। और कई सारे वर्ड्स मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किए हैं, कई सारे वर्ड्स में मैंने निमोनिक ट्रिक कि किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, और माइंड ट्रिक भी दी है कि किस तरीके से इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। होर्स, हार्स है इसका सिनोनिम, ग्रफ है और डिसकॉर्डेंट है, ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम होंगे। होर्स का मतलब होता है खुरदुरा, ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि स्टैलमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईली यूजफुल ये वर्ड है। तो ये है एक्चुअली हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड जो सभी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ये देखिए, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हों, एसएससी के एग्जाम्स हों, या एनडीए सीडीएस हो, यूपीएससी हो, टैट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये वर्ड्स मतलब एक आप मान सकते हैं कि कोर वर्ड्स हैं ये, ठीक है। और इन वर्ड्स को याद करना इसका मतलब ये है कि इन वर्ड्स को यदि आप याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश सेक्शन में आपका जो डर है वो दूर भाग जाएगा, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। ये देखिए इस तरीके से हैं ये ई बुक्स, बहुत ही बेहतरीन ई बुक्स हैं। तो यहाँ से इनको आप ज़रूर डाउनलोड करें और सारी ई बुक्स को डाउनलोड करें तो डेफिनेटली इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस साइट पर आने के बाद यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं फ्री कंटेंट डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी वीडियो कोर्स यहाँ पर डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इन सभी पोस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। शेयर का बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा जब इनको खोलेंगे, तो वहाँ से आप फेसबुक पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन पोस्ट को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स का भी इससे बेनिफिट हो और उनको फ़ायदा हो। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।